सब्सक्राइब कीजिए इन्फो गुरुदेव चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे राधा स्वामी सत्संग व्यास के बारे में। राधा स्वामी सत्संग मत श्री शिव दयाल साहिब द्वारा स्थापित एक पंथ है। 1861 में बसंत पंचमी के दिन पहली बार इसे आम लोगों के लिए जारी किया गया था। आगरा में दयाल बाग इसी राधा स्वामी मत का एक मुख्य मंदिर है। विश्व में इस विचारधारा को पालन करने वाले 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। डेरा ब्यास जलंधर से लगभग 25 किलोमीटर और अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर ब्यास नामक जगह पर स्थित है। यह स्थान रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। डेरे के पास 4000 एकड़ से भी अधिक भूमि है। इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। इस समय लगभग 100 देशों के लोग डेरे से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है और अपनी संगत को बिना किसी लाभ से वस्तुएं उपलब्ध करवाती रही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास का मुख्य उद्देश्य लोगों को धार्मिक संदेश देना है। राधा का अर्थ आत्मा से है तथा स्वामी का अर्थ भगवान अर्थात आत्मा के भगवान से है। सत्संग का अर्थ है सच्चाई, इसे परिचय कराना। और दोस्तों, आप ये सारे राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो फोटोज हैं उनको एंजॉय करते रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।